पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में बड़े बैंकिंग घोटाले सामने आए हैं। खास बात यह है कि ये 5 राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं, लेकिन सीबीआई अब तक इन राज्यों में 21,000 करोड़ रुपए के घोटालों की जांच भी नहीं शुरू कर पाई है। वजह है कि राज्य सरकारों ने यहां अनुमति नहीं दी। पिछले 3 वर्षों में सीबीआई इन 5 राज्यों में अनुमति के अभाव में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच भी शुरू नहीं कर पाई है। कार्मिक मंत्री जितेन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए बताया कि 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े कुल 128 अनुरोधों में से सबसे अधिक 101 अनुरोध महाराष्ट्र में लंबित हैं। साल 2019 से साल 2022 के दौरान महाराष्ट्र में 20,312 करोड़ रुपए की राशि के मामले लंबित हैं। वहीं इसी तरह के 298 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12 मामले पंजाब के पास, 157.26 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 8 मामले छत्तीसगढ़ के पास, 293.64 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 6 मामले पश्चिम बंगाल के पास और 12.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का 1 मामला राजस्थान के पास लंबित है। जितेन सिंह ने कहा कि 9 राज्यों मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है, जबकि सीबीआई जांच के लिए इनमें से 7 राज्यों में कुल 173 अनुरोध लंबित थे, जिनमें से सबसे अधिक 132 महाराष्ट्र, 16 पंजाब, 8 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल और केरल और राजस्थान के 2-2 अनुरोध शामिल हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।